डिस्क्लेमर, कमजोर दिल वाले इन मूवीजों को ना देखें तो बेहतर होगा। तो अगर तुम लोगों में सचमुच हिम्मत है और तुम लोगों की अगर भूतों से नहीं फटती है तो ये 5 हॉरर मूवीज देखकर दिखाना मान जाऊंगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ नेटफ्लिक्स की टॉप 5 बेस्ट हॉरर मूवीज, जिसे देखने के बाद आप लोगों की रूह कांप जाएगी। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो नंबर 5 पर जो मूवी है, इस मूवी का नाम है द 8th नाइट। एंड इस फिल्म की कहानी है दो मॉन्क्स की, जिनको तलाश है एक इविल फोर्स की जो कि हजारों सालों के बाद आजाद हो चुका है और वो कमजोर इंसानों को कंट्रोल करके उन्हें मार रही है ताकि 8 रातें पूरी होने के बाद वो हमारी दुनिया में कुछ बुरा कर सके। तो ये दोनों मॉन्क्स इस इविल स्पिरिट को रोक पाएंगे या नहीं, ये तो भाई मूवी देखकर जानो। एंड भाई साहब, नंबर 4 पर जो मूवी है, उस मूवी का नाम है ब्लड रेड स्काई। सो इस फिल्म में कहानी दिखाई गई है एक माँ और एक बेटे की, जो कि लेट नाइट फ्लाइट से ट्रेवल कर रहे होते हैं, बट अचानक से कुछ लोग प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। एंड फिर माँ को अपने बेटे को बचाने के लिए अपने अंदर से एक मॉन्स्टर को बाहर निकालना पड़ता है। इस फिल्म में आप लोगों को उसकी मॉम की एक डार्क स्टोरी भी देखने को मिलेगी। बाकी इस फिल्म में आगे क्या होता है ये तो भाई मूवी देखकर जान लो। एंड यार, नंबर 3 पे जो मूवी है, इस मूवी का नाम है द रिचुअल्स। इस मूवी में कहानी बताई गई है 5 फ्रेंड्स की, जो कि हाइकिंग पर जाते हैं, बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो लोग एक जंगल में फंस जाते हैं, जहाँ उन्हें ये महसूस होता है कि उनके अलावा भी यहाँ कोई है जो कि उनका पल पल पीछा कर रहा है। एंड वो आखिर है कौन एंड क्या वो लोग वहाँ से जिंदा निकल पाएंगे या नहीं, ये तो भाई मूवी देखकर ही जानना। तो यार, नंबर 2 पे जो फिल्म है, इस फिल्म का नाम है स्माइल। इस फिल्म में कहानी दिखाई गई है एक थेरेपिस्ट डॉक्टर की, जिसकी लाइफ तब बदल जाती है जब उसकी एक पेशेंट उसके सामने ब्रूटल तरीके से सुसाइड कर लेती है, यानी कि खुद को मार देती है, जिसके बाद डॉक्टर की लाइफ एक डरावने ख्वाब में बदल जाती है। उसके बाद आगे क्या होता है ये तो भाई इस फिल्म को देखकर पता लगा लेना। एंड यार, नंबर 1 पर जो फिल्म है, इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। तो इस मूवी का नाम है हिज हाउस। यार, इस फिल्म की कहानी दिखाई गई है दो रेफ्यूजीज कपल की, जिन्हें डिटेंशन सेंटर से एक टूटे फूटे रो हाउस में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां उन्हें स्ट्रगल करके ये बताना है कि वो इस शहर में रहने लायक है। एंड उनकी मुसीबत वहां शुरू होती है जब उन्हें पता चलता है कि ये घर एक हॉन्टेड है। एंड क्या ये कपल इस घर में रह पाएंगे या नहीं, ये तो भाई मूवी देखकर ही जान लेना। तो बस यार, आज के लिए इतना। वीडियो जरा सी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए आए तो यार एक बार सब्सक्राइब कर देना। सो मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक टिल देन स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, जय श्री राम।